वी आर लाइव नाउ, वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2023-24 कक्षा सातवीं के संस्कृत विषय का 100% एकदम असली प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। देखिए, अगर आप इस वीडियो को फुल टाइम वॉच करते हैं तो डेफिनेटली अपने स्कूल में अच्छा स्कोर गेन करेंगे और अपने स्कूल के टॉपर भी बनेंगे, क्योंकि ये 100% एकदम रियल पेपर है। नो डाउट, पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से और एक एक प्रश्न का उत्तर समझाने वाला हूँ। देखो, यहाँ पर लिखा है सेट नंबर ए। अगर आपके स्कूल में सेट नंबर बी आएगा तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, सेट नंबर ए और बी सेम है, टेंशन मत लेना। टोटल आपका बेटा 60 नंबर का पेपर रहेगा और समय मिलेंगे आपको 2.5 घंटे। निर्देश में कह रहा है पहला नंबर की सर प्रश्न आना अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नाम समूखे अंक प्रदत्ता, मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर करेगा इसके सामने दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक लिखा है। निर्देश में कहता है अधोलिखित प्रश्नानि उत्तराणि समुचित विकल्प चित्वा लिखत, मतलब आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है। आगे कहते हैं प्रश्न नंबर 1, उत्तराखंड राज्य अस्ति, उत्तराखंड राज्य में क्या स्थित है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं बद्रीनाथ, द्वारकानाथ और श्रृंगार मठम या फिर जगन्नाथपुरी। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनाथ इस करेक्ट आंसर, ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर कहता है कि पंचदशम तिथ्या भवति। हमारे ऑप्शंस हैं मासे, पक्षे, वर्ष या फिर युगे। तो इसका सही आंसर आपको पक्षे पे टिक करना है, जो पंचदश तिथि है वो एक पक्ष है, ठीक है। जैसे आपका होता है ना शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो पंचदशा मतलब 15 दिन का एक तिथि होता है, मेरे कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर कहता है मृगेंद्रा भवति। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन जैसे सस्का, मुस्कम, गरुड़ा या फिर सिंघा, तो मृगेंद्रा कौन है, तो सिंह को, शेर को कहते हैं, तो सिंह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चौथा नंबर कहता है अंग्रेजों इत्यस्मिन पदे वचनम अस्ति, जो अंग्रेजों वो कौन सा पद और वचन है, तो ये आपका द्वितीय वचन हो जाएगा, अर्थात आपको ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर कहता है ऐतिहासिक स्थानम अस्ति, इनमें से कौन सा ऐतिहासिक स्थान है। हमारे ऑप्शन कहते हैं भीमबेटिका, सचिवालय, वन विहार और मयूर उद्यान। तो देखो भाई, मयूर उद्यान तो बस वही गार्डन टाइप से है, ठीक है। वन विहार की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं, शेर चीता देखने जाते हैं। एक पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पूरे शहर के बीचों बीच स्थित है, यहाँ पर सांप वगैरह भी पाले जाते हैं, ठीक है, मतलब ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में हैं। सचिवालय की बात करें तो भोपाल में है और यहाँ पर सरकारी कामकाज होता है, लेकिन भीम बैटिका जो है वो ऐतिहासिक नगर है, क्योंकि रायसेन में है और भीम बैटिका में कई सारे मतलब वहाँ पत्थरों पे भीत चित्र बनी हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर आप पे टिक करना है। आगे देख लेते हैं, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूरे 6 से लेकर 10 तक। यहाँ पर लिखा है विश्वप्रिया, छात्रा, सांची स्तूप, आधुना, पद्यपदा, पूर्णिमा और बूलधारा। तो इनको उपयोग करके और हमें सेंटेंस को भरना है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है -- विश्व प्रसिद्ध आसीत, क्या में प्रसिद्ध है। तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा, सांची स्तूपा हो जाएगा या फिर आधुना पूर्णिमा। तो इसका सही आंसर आपको सांची स्तूप पर टिक करना है। नेक्स्ट 7th नंबर, प्रत्नेह डैश डैश भारतीय, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा विश्वप्रिय लिख देना है, प्रत्नेह विश्वप्रिय भारतीय। नेक्स्ट 8th नंबर, शंकराचार्य से चतुर्थिष्ठ, तो शंकराचार्य के चतुर्थिष्ठ का नाम क्या था, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पद पादम लिख देना है। आगे देखते हैं 9th नंबर, शुक्ल पक्षे -- तिथि अवत, तो शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथि में अवत, पूर्णिमा तिथि में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अहम -- तस्य भोजनं गच्छामि, तो यहाँ पर आपको लिखना है अहम छात्र भोजनं गच्छामि। इस प्रकार से ये भी पूरा आपका कंप्लीट होता है। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। आगे के क्वेश्चन को आप देख लो, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हैं, इसके आंसर को जल्द ही प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से देख लो, अंतिम में पूछा निबंध, जल्द ही लेकर आएंगे, फुल सोल्यूशन का वीडियो इसमें कवर करेंगे। आप 25th नंबर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार देखें, तो एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए अब हम जल्द ही मिलते हैं आगे क्वेश्चन 700 के लिए। बाय बाय एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। कि अगर आप कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थी हैं और आपका अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि रियल प्रश्न पत्र का पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें। तो सिंपल सा आपको अपने फोन का गूगल क्रोम ओपन करना है और वहां पर सर्च करना है एएसके क्लासेस। ये सिंपल सा लिख के आपको सर्च कर देना है, ध्यान से देख लो स्पेलिंग एएसके क्लासेस। जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, एएसके क्लास लिखा है, यहाँ पर मत जाना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको नीचे आना है, ये देखो यहाँ पर लिखा है एएसके क्लासेस, स्पेलिंग ध्यान से देख लो, एएसके क्लासेस CLASES, यहाँ पर आपको सिंपल सा टिक करना है। जैसे ही हम टिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस ओपन होगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो सिंपल सा देखिए, पेपर एंड सिलेबस से एमसीक्यू न्यूज है, तो आपको न्यूज वाले सेक्शन में जाना है और सिंपल से वहां पर आपको टिक कर देना है, बस केवल टिक करना है। देखिए, जैसे ही मैंने टिक किया तो ये आपके सामने आ गया एमपी बोर्ड कक्षा 7वीं गणित का पेपर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये कक्षा 8वीं के गणित का पेपर है। ठीक ऐसे ही आपको सभी विषय का प्रश्न पत्र यहाँ पर जैसे ही अपलोड होगा तो आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं।